सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, मेरा नाम पिंडो सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार हैं और नाम है उनका खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव का कई सारे गाने जो है वो आप सभी के बीच में रिलीज हुए हैं। इस कड़ी में अगर मैं बात करूं तो एक गाना जो है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। तो खेसारी लाल यादव का जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे गाना रिलीज हुआ है 10 दिन पहले, उस पर 3 मिलियन के तकरीबन में व्यूज हैं। गाने का नाम देवी माई से हिला, ये जो गाना है खेसारी लाल यादव और खुशी कक्कर की आवाज़ में है और डिम्पल सिंह जो है इस गाने में नजर आई हैं। तो ये गाना जो है जब से रिलीज हुआ है तब से ट्रेंडिंग में है और फिलहाल 4 नंबर पर म्यूजिक सेक्शन में ये गाना जो है वो ट्रेंड कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस कड़ी में अब खेसारी लाल यादव से जुड़ी एक और जानकारी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आ गई है और आपको 100% कन्फर्म ही है लगभग कि ये गाना भी ट्रेंड करेगा। जी हाँ, बात करें तो गाने का नाम होने वाला है लेके थरिया। खेसारी लाल यादव का जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा और ये जो गाना है वो खेसारी लाल यादव के आवाज़ में होने वाला है। इस गाने में जो अभिनेत्री हैं वो पल्लवी सिंह नजर आने वाली हैं। तो खेसारी लाल यादव और पल्लवी सिंह की जोड़ी भी देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। ये गाना जो है वो कल यानी कि 4 तारीख को सुबह 11 बजे रिलीज किया जाएगा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग तैयार रहिएगा। और ग्लोबल म्यूजिक के गाने अब ट्रेंडिंग में जाने लगे हैं तो ये गाना भी ट्रेंडिंग सेक्शन में अपना तांडव मचाएगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा कल 11 बजे खेसारी लाल यादव का लेके थरिया गाना, जो कल सुबह आप सभी के बीच में आने वाला है। बाकी स्टार कास्ट में कृष्णा बेदर्दी, कलम के जादू इस गाने में चलाने वाले हैं, आरएस शर्मा म्यूजिक डायरेक्टर इस गाने के हैं, कंपोजर के अभी पांजे हैं, डायरेक्टर पवन पाल हैं और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का गाना है। तो ये कह सकते हैं कि शानदार कमाल खूबसूरत गाना होगा। तो एक अपडेट था, मुझे लगा आपको इतना चाहिए। बाकी आप सभी के चाहते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के गाने को लेकर कितना उत्सुक हैं आप बताइए।